हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, इजी और सिर्फ 10 मिनट में बनने वाले कोकोनट के लड्डू। आप इसको घर पर ज़रूर बनाइए, आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देखते हैं ये टेस्टी और प्यारे से लड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, 1/4 कप है मिल्क मेड, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और 3 बड़े चम्मच कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। इसमें बस मैंने काजू और बादाम लिए है और 1 छोटी चम्मच घी। बस इतनी ही चीजों से आज हम ये लड्डू बनाएंगे। तो इसमें मेन तो सिर्फ डेसिकेटेड कोकोनट और मिल्क मेड ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गैस पर मैंने एक पैन रख दी है, उसमें डाल देंगे घी। घी गर्म होते ही हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो करनी है और इसमें डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, इसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। हमें इसको बस 2 मिनट तक रोस्ट करके लेना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें ताकि इसका कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो। आप चाहे तो इसे बिना रोस्ट किए ही लड्डू बना सकते हैं, लेकिन रोस्ट करके लेने से लड्डू और भी टेस्टी लगते हैं, इसलिए बस 2 मिनट तक ही हमें इसको रोस्ट करके लेना है। या फिर इसमें जो घी डाल दिया है वो घी इसमें अच्छे से सूख जाए उतना ही हम इसको रोस्ट करके लेंगे। तो ये देखिए, कोकोनट को बस मैंने 2 मिनट तक ही रोस्ट किया था। अब हमें गैस बंद करनी है और यहाँ पे लिए है मैंने एक मिक्सिंग बाउल, उसमें डाल देंगे ये मिल्क मेड। अब हमें इसमें डालना है बस 1 चुटकी फूड कलर। फूड कलर मैंने इसलिए डाल दिया है ताकि ये लड्डू और भी अच्छे दिखे। आप चाहे तो बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं या फिर जो भी कलर पसंद है वो उस कलर में भी बना सकते हैं। जब ये लड्डू हरे रंग के बनते हैं ना तो बहुत ही प्यारे दिखते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर इसमें डाल दिया है। और देखिए, मिल्क मेड और फूड कलर अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हमें इसमें डालना है ये डेसिकेटेड कोकोनट जिसको हमने रोस्ट करके रख दिया था। इसी के साथ इसमें जाएगा इलायची पाउडर अच्छी खुशबू के लिए और ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे से मिलाते हैं। अब हमें इसके बनाने हैं लड्डू, तो पहले हाथ से फिर से एक बार अच्छे से मिला कर लेंगे। और देखिए, सब अच्छे से मिक्स हो गया है। तो देखते हैं इसका लड्डू बनता है कि नहीं। तो ये देखिए, इसका लड्डू बन रहा है। तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू आपको जितने छोटे या फिर बड़े पसंद है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज के लड्डू बना रही हूँ, मतलब ये बहुत छोटे भी नहीं है और बड़े भी नहीं है। और देखिए, एक लड्डू मैंने यहाँ पे बनाया है। 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट में लगभग 7 लड्डू बन जाते हैं। और देखिए, लड्डू हमारा कितना प्यारा दिख रहा है। इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट लगाऊंगी, इससे ये और भी अच्छे दिखेंगे। और देखिए, एक लड्डू तो हमारा तैयार है। इसी तरह से मैं बाकी के सारे लड्डू बना कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारे कोकोनट के बहुत ही सिंपल, डिलीशियस और टेस्टी से लड्डू बनकर तैयार है। बहुत ही प्यारे दिखते हैं लड्डू। अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो आप इस लड्डू को घर पर जरूर बनाइए, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। और इसकी खास बात ये है कि इसमें सिर्फ 2-3 चीजें लगती हैं और ये सिर्फ 10 मिनट में बनते हैं। तो आप इसको घर पर जरूर ट्राई कीजिए। और आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए।